हेलो 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 हाय एवरीवन, स्नेहा दिस सेड वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, नायका में चल रही थी बहुत ही अच्छी सेल एंड मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है अपने लिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। काफी टाइम से ये परफ्यूम देख रखा था और मैंने अपने लिए दो मंगा लिया है। सो बेसिकली ये है हॉट पिंक स्मूथ बाय सो। लुक एट दिस, ओ माय गॉड, दिस इज सो सो क्यूट। मुझे बहुत पसंद आया गाइस। ये परफ्यूम है, एक तो बहुत ही छोटू सा है, कहीं पे भी आप कैरी कर सकते हो, प्लस इतना क्यूट है। ये ऐसे ओके, ये ऐसे ओपन होता है एंड इसका फ्रेग्रेंस चेक करते हैं। फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छा है गाइज, इतना बुरा नहीं है। एंड मुझे तो स्पेशली इसका जो पूरा लुक है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। सो अगर आपको किसी को गिफ्ट विफ्ट करना है तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन एट दिस प्राइस, सो गो फॉर इट। पिलग्रिम पे काफ़ी अच्छी सेल चल रही थी और मेरे ना हेयर फॉल काफ़ी हो रहे हैं गाइज, तो मुझे एक हेयर ग्रोथ सीरम चाहिए था एंड इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज थे, एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम पिलग्रिम का, और इसको मैंने दो मंगा लिया है। अभी मैं इसको कंटिन्यू यूज करूंगी एंड इसके रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। पिलग्रिम का मैंने एक और चीज मंगाई, ये भी मैंने स्टॉक किया है, ये है ग्लो मॉइस्चराइजर। सो बेसिकली अगर इसको आप लगा लेते हो ना अपने फेस पे तो अच्छा सा ग्लो ऐड हो जाता है आपकी स्किन में, और इसका टेक्सचर काफी लाइट है, ये काफी अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और एक हल्की सी शाइन ऐड कर देता है आपकी स्किन में। तो ये देखो, दिस इज हाउ इट लुक लाइक, काफी अच्छा लगा मुझे गाइज। मैंने मंगाया है ये डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर, जो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, काफ़ी अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। इसके पहले भी मैंने ये यूज़ किया था, ये मैं वापस से स्टॉक कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखता है, आजकल मेरा फेस काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो गाइज मैंने ये मंगा लिया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी। एंड डॉट एंड की का मैंने एक और चीज़ मंगाया है, 72 आवर्स मॉइस्चराइजिंग जेल। मेरी स्किन काफ़ी ड्राई हो रही है इस वक्त एंड मुझे काफ़ी एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर की जरूरत थी, तो मैंने ये वाला ट्राई किया है डॉट एंड की का। काफ़ी वाटरी फॉर्मूला है इसका, और स्किन में अगर हम इसको लगाएंगे तो एकदम वाटरी जैसा इफेक्ट आएगा, तो काफ़ी प्यारा और काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है स्किन में, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ दिस प्रोडक्ट। काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर लग रहा है मुझे ये, एंड ये जो जेल बेस और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर होते हैं ना, मेरे फेस पे काफ़ी अच्छे सूट होते हैं, तो आई एम एक्साइटेड टू यूज़ दिस प्रोडक्ट। लैक्मी 925 स्किन स्टाइलिश कलेक्शन ल्यूमी लिट क्रीम हाइलाइटर इन मॉइस्चराइजर। सो बेसिकली इसको लगाएंगे ना तो आपकी स्किन में एक हाइलाइटर जैसे इम्पैक्ट आ जाता है। काफ़ी सेलिब्रिटी ये यूज़ करते हैं, नॉट दिस मतलब काइंड ऑफ दिस, कि मॉइस्चराइजर में हाइलाइटर का इफेक्ट दिख जाए, तो अगर आप देखोगे ना तो मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है, अच्छा सा हाइलाइटर दिख जाएगा। सो आपकी स्किन में काफ़ी ग्लो वाला इम्पैक्ट कर देता है ये, तो मुझे भी ये काफ़ी टाइम से ट्राई करना था एंड मैंने अपने लिए मंगा लिया है। दिस इज बेस्ट शैम्पू, मेरे बालों को काफ़ी सूट करता है ये। मैंने इसके पहले एक दो अलग अलग ट्राई कर लिए शैम्पू, बट आई एम बैक टू दिस अगेन। सो ये है पैंटीन का हेयर कंट्रोल, मेरे बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं, तो मैंने शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों मंगा लिया है पैंटीन का, काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। निविया का बॉडी मिल्क मंगाया है, ये 48 आवर्स तक मॉइस्चराइज रखता है, ये काफ़ी अच्छे से बॉडी पे अब्जॉर्ब हो जाता है। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है बैंगलोर में, तो वी नीड अवर बॉडी ऑल्सो नीड मॉइस्चराइजेशन, तो मैंने उसके लिए भी मंगा लिया है निविया से। ये दो और प्रोडक्ट्स, ये है गाइस डिओड्रेंट, जो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, मैं भी शिफ्ट हो गई थी दूसरे रोलर पे भी, बट ये एक चीज़ मैंने नोटिस किया, ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है एज़ कम्पेयर टू दोज प्रोडक्ट। ये है शावर जेल एंड इसका अरोमा काफ़ी अच्छा होता है गाइस। और ये तो मैं पहले कितना यूज़ करती थी एंड बीच में मैं अलग अलग शिफ्ट हो गई थी, देन अगेन मैंने वापस से निविया में काफ़ी अच्छी डील चल रही थी तो मैंने वापस से इसको स्टॉक कर लिया है गाइज। मैंने वाटर गर्ल का मैंने ये वाला परफ्यूम वापस से मंगा लिया है, बट मैंने ना आई थिंक किसी और के वहम में ये वाला गलती से मुझे ऐसा लग रहा है ऑर्डर कर लिया है। सीक्रेट क्रश है ये, नॉट बैड, दिस इज ऑल्सो गुड ओके। वाटर गर्ल का काफ़ी अच्छा होता है गाइज, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी उसके, तो एट दिस प्राइस काफ़ी अच्छी क्वांटिटी दे देता है ये। फेस जेल, ये एलोवेरा जेल है गाइज, जो मैं फेस शेविंग वगैरह करती हूँ तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। कभी कभी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करती है तो मैं ये लगा लेती हूँ, तो मुझे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। मुझे ना ये दो प्रोडक्ट फ्री मिले हैं गाइज, एक तो निविया का मिला है बॉडी लोशन, जो काफ़ी हैंडी है, तो मैं अपने बैग वैग में डाल के भी यूज़ कर सकती हूँ, एंड दूसरा मुझे मिला है ये फेस सीरम डॉट एंड की का। ओके, ओ माई गॉड, ये कितना छोटू सा है बट कितना क्यूट है। 10% नाइसिनमाइड अल्ट्रा स्पॉटलेस ग्लो फेस सीरम है, और ये है 3 ml का। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो डालूं उसकी अपडेट आपको मिल जाए। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।